वंदे मातरम साथियों, मैंने कुछ दिन पहले जो बच्चों के वैक्सीनेशन स्कूल में शुरू हुए उसके बारे में जागृति फैलाने के लिए कि उसके बच्चों के और माता पिताओं के क्या अधिकार हैं, कुछ वीडियो जो हैं मैंने बनाकर डाले, जिसमें मैंने कुछ प्रिंसिपल्स और वहाँ के टीचर्स जिन्होंने कंपलसरी करने के आदेश जो हैं फॉरवर्ड किए मैसेज बच्चों को प्रशासन के दबाव में आकर, मैंने उनको जब कॉल करने का शुरू किया तो ऐसे कुछ मैंने बहुत प्लानिंग नहीं की थी कि ये वीडियो जो है इतना लोगों को जागृत करेंगे कि लोग अपने स्तर पे भी इसको शुरू कर देंगे फ़ोन करना। और यही मैं चाहता था, क्योंकि अब हो क्या रहा है कि जब से मैंने इन वीडियोस को डाला है तब से लोग मुझे मैसेजेस, प्रिंसिपल्स और सब नोटिस वगैरह मुझे भेज रहे हैं कि आप हमारे प्रिंसिपल से बात करिए, हमारे बच्चे के स्कूल से प्रिंसिपल से बात करिए, ये करिए। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि यदि मैं सबको कर पाया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा कार्य अध्ययन का और सब कुछ रहता है तो सबको संभव नहीं है। तो जिन साथियों ने मुझे मैसेज भेजा और मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनसे क्षमा भी चाहूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अकेला पूरे देश के स्कूल्स को कॉल नहीं कर सकता, ना हमारी टीम जो अवेकन इंडिया मूवमेंट की है वो कर सकती है। तो ये जो वीडियो बनाकर डालने का उद्देश्य था वो क्या था, वो यह था कि आप लोगों को ये बताना कि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप ये मत समझिए कि मैं 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे नॉलेज है, इसलिए मैं ऐसी बात कर पा रहा हूँ। जितनी मैंने बात उन प्रिंसिपल्स और उन सब सबसे की, यदि आप देखेंगे कि उतनी बात यदि आप भी कर लेंगे तो सब प्रिंसिपल्स और ये सब इनको अच्छे से पता है कि ये लोग जिस तरह के मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं दे देंगे, ये कुछ भी नहीं करने देंगे, बैठने नहीं देंगे स्कूल में, इनको क्लियर ये आदेश है कि आप जो है बच्चों को मोटिवेट करना है आपने, इनको क्लियर ये आदेश है, इनको ये ज़बरदस्ती करने का कोई आदेश नहीं है। क्योंकि ये जब इनको कहा जाता है कि हमें तो उनको एंकरेज करना है, तो ये जिस तरह से एंकरेज कर रहे हैं कि क्लास में नहीं आने दिया जाएगा, एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि आप किसी के माता पिता के बच्चे को किडनैप कर लें और उसके बाद उससे पैसे की डिमांड करें, तो आप कहें कि मैं आपको, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं आपके बच्चे को हानि पहुंचा दूंगा, नुकसान कर दूंगा। तो आप फिर वो माता पिता कहें कि आपने हमको धमकी क्यों दी, तो आप ये कहें उल्टा कि मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा था पैसे देने के लिए। ठीक उसी तरह की बात ये लोग कर रहे हैं। तो इनको आदेश क्लियर ये है कि आप सबको ये ऐसा मैसेज फॉरवर्ड करो, और यदि कोई हम जैसा जागृत, आप जैसा कोई जागृत माता पिता कॉल करे, ज़्यादा हो हल्ला मचाए, तो उसको मना कर दो। तो इस वजह से क्या होगा कि 100 में से 95 90 या 80% लोग जो है, मैं कहता या तो 99% लोग भी जो है वैक्सीन लगवा लेंगे, क्योंकि सबके सब जो है जागृत नहीं होते। तो ये जो काम है ये आपके बच्चों के लिए, अगर आप इन वीडियोस के द्वारा, अगर देखिए क्या होता है कि पहली बार करने में संकोच होता है, लेकिन अब हमने कर लिया है तो हमने देखा है कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ऐसा कि बहुत मुश्किल काम नहीं है जो आप भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके बच्चे हैं, आप पहले स्तर पर पहला स्टेप आप ये करिए, प्राइमरी प्राथमिक स्तर पर ये करिए कि आप अपने स्तर पर टीचर से बात करिए, कॉन्फिडेंटली बात करिए, जी हुजूरी करके बात मत करिए उनकी, आपका अधिकार बनता है। और यदि वो इस तरह से नहीं मानते हैं तो आप हमें फॉरवर्ड करिए। तो मैं चाहूँगा कि पहली जो लाइन ऑफ डिफेंस अपने बच्चों के लिए वो माता पिता आप खुद बने, उसी के लिए प्रेरित करने के लिए वीडियो भी बनाया गया था। तो मैं चाहूँगा कि आपको किसी प्रकार की कैसे बात करनी है, कुछ मदद चाहिए तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, और आप मुझे मैसेज करके मेरे नंबर पे या मेरी ईमेल आईडी पे या मेरे फेसबुक पे, जहाँ भी मैसेज करके मुझे बताना चाहें, लेकिन कोशिश ये करिए, क्योंकि हमें और भी इसी इसी सामाजिक कार्य के लिए, हमें इसी वैक्सीन और सारे कोरोना विषय पे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मैं सबका उत्तर ना दे पाऊँ तो आप कृपया करके मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन आप लोग स्वयं प्रेरित हों ये मैं चाहता हूँ। तो बस इस यही मुझे निवेदन आपसे करना था कि सिर्फ फ़ोन उठा के बात ही करनी है, ये सबसे आसान काम है जो अपने बच्चों को हम बचा, अपने जीवन बचाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। अपने अधिकारों को जानिए, हिंदी में हमने जितना प्रयास किया है सब डॉक्यूमेंट्स बताने का, उस ज़्यादा से ज़्यादा बहुत टेक्निकल जानकारी आपको नहीं चाहिए। तो अभी कुछ दिनों में, अभी एक दो दिन में हम जो FAQ जो टीचर्स पेरेंट्स सब जो एक प्रश्न सबकी तरफ से आते हैं उनके उत्तर कैसे देने हैं उसके बारे में मैं वीडियो बना के डालूंगा। तब तक प्रेरित होकर अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रयास जारी रखिए। अगले दूसरी डोज लगने से पहले पहले हमने एक विश्व देशव्यापी अभियान वो भी शुरू करना है, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग एक पैम्फलेट जो है डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पैम्फलेट के अंदर ये सब जानकारियाँ जो सरकार ने आपके अधिकार आपको नहीं बताए हैं पूरा, उसकी जानकारी को हम पैम्फलेट में छपाएंगे, उसका डिज़ाइन मैं सबको फॉरवर्ड कर दूंगा।
कुछ बैनर्स के अब डिज़ाइन मैं फॉरवर्ड करूंगा, वो बैनर्स आप जो हैं दूसरी डोज से पहले जो है हर जगह लगाइए। उसमें जो भाषा होगी वो ऐसी होगी जिसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन जो माता पिता के अधिकार हैं कंसेंट फॉर्म का, वैक्सीन के जो नुकसान है उनके बारे में जानकारी की देने की जो बात है वो रहेगी, तो उसके विषय में भी आप सब लोग काम करें। तो उसको भी हम जल्दी ही डिज़ाइन करके उसको डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा देंगे आप सबके पास, जिससे आप सब उसको काम कर सकें। तो इसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए होगा, बढ़ चढ़कर अपने अपने क्षेत्र में उस काम को करिए, जिससे कि ये पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है इस षड्यंत्र के को में आपके अधिकार क्या हैं ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वंदे मातरम।